हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। दोस्तों, इंडियन रेलवेज के नेटवर्क में प्रीमियम ट्रेन्स चलती है, जैसे कि राजधानी एक्सप्रेस हो गई, शताब्दी एक्सप्रेस हो गई, वंदे भारत एक्सप्रेस हो गई, या फिर तेजस एक्सप्रेस हो गई, दुरंतो एक्सप्रेस हो गए। इन सारे ट्रेन्स में यात्रियों को बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती है। वहीं पर हम बात करें इंडियन रेलवेज़ के नेटवर्क में हमसफ़र एक्सप्रेस चलती है, जो कि फुल्ली प्रीमियम सर्विस देती है पैसेंजर्स को। इनमें पैसेंजर्स को मॉडर्न फैसिलिटीज़ मिलती है जो थर्ड क्लास एसी में ट्रैवल करता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हमसफ़र एक्सप्रेस के थर्ड एसी कोच में यात्रियों को क्या क्या सुविधाएं मिलती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमसफ़र एक्सप्रेस की पहली ट्रेन चली थी दिसंबर 2016 में। इस ट्रेन में यात्रियों को बहुत अच्छी सुविधाएं मिलती है रेलवेज द्वारा। जैसे कि बात करें हम कोच कंपोजिशंस की, तो इस ट्रेन में थर्ड एसी के कोचेस रहते हैं और स्लीपर क्लास के कोचेस रहते हैं। जहां तक आप थर्ड एसी में ट्रैवल करते हैं, तो इनमें यात्रियों को लिनन प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि बेडशीट, तकिया, कंबल, चादर। और वहीं पे जो सीट्स रहते हैं वो बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। दोस्तों, हमसफ़र एक्सप्रेस के जो कैबिन्स हैं उसमें 6 सीट्स रहते हैं, लोअर, मिडल, अपर, उसके ऑपोजिट सेम लोअर, मिडल, अपर, और साइड में 2 सीट्स रहते हैं, साइड लोअर और साइड अपर। इसमें यात्रियों को मोबाइल और लैपटॉप चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट रहता है। कैबिन में एक मिरर रहता है, वाटर बॉटल रखने के लिए वाटर बॉटल होल्डर्स रहते हैं, रीडिंग लाइट्स लगे रहते हैं सीट्स के ऊपर, जिससे कि आप यात्रा के दौरान बुक्स और न्यूज़पेपर आराम से पढ़ सकते हैं। आप लगेज अपना लोअर और साइड लोअर सीट्स के नीचे रख सकते हैं। दोस्तों, थर्ड एसी के जो कोचेस रहते हैं वो पूरी तरह से वातानुकूलित रहते हैं, मतलब फुल्ली एयर कंडीशन रहते हैं। इसके जो खिड़की हैं, खिड़कियों पे कर्टन्स लगाए गए रहते हैं, और जो खिड़की का साइज़ है वो भी बड़ा रहता है। दोस्तों, पैसेंजर की सेफ्टी के लिए इस ट्रेन के थर्ड एसी के सब कोचेस में सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल किए गए हैं। और दोस्तों, इस ट्रेन में स्मोक अलार्म्स है, बेबी चेंजिंग टेबल है, ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम है, पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम है। दोस्तों, पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम पे डिस्प्ले होते रहता है कि कौन सा स्टेशन आने वाला है, कौन सा स्टेशन आया हुआ है, और ट्रेन कितने स्पीड से चल रही है। दोस्तों, इस ट्रेन के सारे कोचेस LHB रेक के हैं। दोस्तों, वहीं पे बात करें स्पीड की, तो हमसफ़र एक्सप्रेस का स्पीड है मैक्सिमम स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर। इस ट्रेन के सारे थर्ड एसी के कोचेस जो हैं वो स्लीपर कैटेगरी के हैं, इसमें आप सो के यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों, हमसफ़र एक्सप्रेस के थर्ड एसी कोच में साफ़ सफाई का भी अच्छा ख्याल रखा जाता है। इसमें जो क्लीनिंग स्टाफ है रेगुलर इंटरवल्स पे आके आपके कोचेस की साफ़ सफाई किया करते हैं, और यहाँ पे क्लीनिंग स्टाफ का नंबर भी डिस्प्ले किया गया रहता है कोच में। अगर आपको जब भी रिक्वायरमेंट रहेगा, आपका कोच गंदा होता है, तो आप उस पर कॉल करके क्लीनिंग स्टाफ को बुला सकते हैं और अपना कोच साफ़ करवा सकते हैं। हमसफ़र एक्सप्रेस के हर कोच में कोच अटेंडेंट रहते हैं, जो कि यात्रियों का हेल्प करते हैं यात्रा के दौरान, और जो लिनन प्रोवाइड करते हैं, जैसे ये कंबल, चादर, बेडशीट, तकिया, ये कोच अटेंडेंट ही पैसेंजर्स को देते हैं। और वहीं पे सुरक्षा के हिसाब से दोस्तों RPF पर्सनल ट्रेन्स में हम राउंड लगाते रहते हैं। दोस्तों, इस ट्रेन में हीटिंग चेंबर और रेफ्रिजरेटिंग बॉक्स इंस्टॉल किए गए हैं, जहाँ पे खाना गर्म करके खा सकते हैं। दोस्तों, बात करें पैंट्री सर्विसेज की, तो कुछ ट्रेनों में पैंट्री सर्विसेज है और कुछ ट्रेनों में ऑनबोर्ड केटरिंग है, जहां से आप खाना लेकर खा सकते हैं यात्रा के दौरान। और इन ट्रेनों में आप ऑनलाइन फूड ऑर्डर करके अपने सीट पर बाहर से खाना मंगा सकते हैं। दोस्तों, हमसफ़र एक्सप्रेस के थर्ड एसी कोचेस में वेंडिंग मशीन्स इंस्टॉल किए गए हैं, जहाँ पर चाय, कॉफ़ी और दूध मिलता है। दोस्तों, अगर बात करें हम किराए की, तो हमसफ़र एक्सप्रेस का जो किराया होता है वो नॉर्मल ट्रेन्स के थर्ड एसी कोचेस से 15 से 20% ज़्यादा होता है। दोस्तों, अगर आपको हमसफ़र एक्सप्रेस के थर्ड एसी कोच में ट्रैवल करना हो, तो उसके लिए आप टिकट कहाँ से बुक कर सकते हैं, उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। उसके लिए आप टिकट ऑनलाइन IRCTC की वेबसाइट, IRCTC का मोबाइल ऐप, और स्टेशन पर टिकट विंडो काउंटर पर जाकर बुक कर सकते हैं। दोस्तों, इस ट्रेन के हर कोच में बायो टॉयलेट फिट किए गए हैं। दोस्तों, बता दें आपको कि इस ट्रेन में जो पेट्रोल प्रोवाइड किया जाता है वो खादी होता है। दोस्तों, ये थी सारी जानकारी जिसमें हमने बताया आपको कि हमसफ़र एक्सप्रेस के थर्ड एसी कोच में यात्रियों को इंडियन रेलवेज़ द्वारा क्या क्या सुविधाएँ मिलता है। क्या आपने
हमसफ़र एक्सप्रेस में कभी ट्रैवल किया है? अगर किया है तो आपका ट्रैवल एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को अब हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप अगर नए हैं हमारे चैनल पे और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, हम आप लोगों से मिलते हैं अपने अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। Thank you.